हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी स्ट्रॉबेरी क्रश आप कैसे बना के स्टोर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट एंड एम्पावर योरसेल्फ। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लेना है। हमने यहाँ पर 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले लिए हैं, 100 ग्राम मतलब इससे हाफ शुगर ले लिए हैं, 1/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट, थोड़ी सी रेड कलर एंड 2 पिंच ऑफ साइट्रिक एसिड। तो पहले हमें क्या करना है, स्ट्रॉबेरी को पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे क्रश कर लेना है। मतलब स्मूथ पेस्ट नहीं होगा, जस्ट इसे हम क्रश कर लेंगे। अब हम इसे स्टोव ऑन करके इसे कोई भी हांडी में डाल के और चीनी भी उसके साथ ही डाल देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसमें मतलब जो भी टुकड़ा टुकड़ा आपको स्ट्रॉबेरी है ऐसे रहने चाहिए। अब इसे हिलाते रहना है फ्लेम को फर्स्ट। अब जब बैठाओगे स्टोव में तब थोड़े से आप उसे लो फ्लेम में रखोगे। उसके बाद थोड़े से बॉयल आने पर हम देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी जो है ये हमें जैसे चाहिए ये वैसा ही है, ये क्रश है। क्रश से आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आप स्टोर करके रखते हो आगे चल के आप जैम बना सकते हो, डेजर्ट में आप जैसे कि चीज़ केक के लिए आप लेयर डाल सकते हो जेलेटिन मिला के, और डेजर्ट के ऊपर तो आप डाल ही सकते हो, जैसे कि आइसक्रीम के ऊपर डाल सकते हो। तो ये देखो हमने अभी एक बॉयल आने के बाद साइट्रिक एसिड मिला दिया है। साइट्रिक एसिड प्रिजर्व भी करता है और ऊपर से ये बॉयल करने पर इसके खुद की एक खट्टापन सावननेस है स्ट्रॉबेरी के, फिर भी बॉयल करने पर वो थोड़ा फेड हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा अलग से साइट्रिक एसिड मिलाना पड़ेगा। और कलर हमने थोड़ा सा यूज़ किया है क्योंकि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे तो खुशबू रंग और जो दिखने में अच्छा होना चाहिए तो थोड़ा सा कलर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए कितने अच्छे इसमें ग्लेज आने लगे हैं, शुगर डालने से तो ग्लेज आएगा ही। तो ये जितना बॉयल होगा जितने थिक होंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लेज आने लगेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप कोई भी डेजर्ट के साथ आप सर्व कर सकते हो। अब क्या है कि अब थोड़ा हमें ज़्यादा बॉयल करना है क्योंकि हमें प्रिजर्व करके रखना है, तो अच्छे से बॉयल भी कर लेना है। अब थोड़ा फ्लेम को हाई फ्लेम में रख के इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे, ये थिक भी हो जाएगा और इसको बॉयल भी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेज में हम सोडियम बेंजोएट को गर्म पानी में घोल के इसमें मिला देंगे। तो जैसे कि आप जैम जेली सॉस स्क्वास अगर कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो स्ट्रॉबेरी के भी कर सकते हो। देखो जैसे कि जहाँ पर स्ट्रॉबेरी के जहाँ ज़्यादा मतलब हार्वेस्ट होते हैं वहाँ पर तो बहुत प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत मिलते हैं। जैसे कि आपको महाबलेश्वर है, लोनावला, वहाँ पर बहुत मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, क्रश मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल भी है और दाम भी कम है। लेकिन आप चाहें तो आप भी कर सकते हो अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट हो तो। तो देखिए अभी हमने गर्म पानी में घुला हुआ सोडियम बेंजोएट डाल दिया, ये बहुत ज़रूरी है, डालना ही पड़ेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा। कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा। अब देखो कितना सुंदर कलर आ गया है। अब इसे ठंडा करके हम बॉटल में डाल के रख देंगे। कोई भी मल्टी यूजेज हैं और प्लस आप स्टोर भी कर सकते हो। तो आप कोशिश करो, खुश रहो। देखो कितना अच्छा बन गया है। थैंक यू। अच्छे लगे तो मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जानकारी दें।